जूही चावला ने खुलासा किया था कि उन्होंने बिया चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, इसमें पास भी हो गई थी। हालांकि बाद में रूपा गांगुली को इस रोल के लिए चुना गया था। एक पुराने इंटरव्यू में जूही चावला ने कहा कि उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री के केवल चुनिंदा लोगों को जानता था, जिनमें बिया चोपड़ा भी शामिल थे। उन्होंने 1986 में अपनी पहली फिल्म सल्तनत की रिलीज से पहले बिया चोपड़ा से मुलाकात की थी। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा था, मैं बिया चोपड़ा साहब से मिली थी, वे बहुत अच्छे व्यवहार वाले होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने महाभारत में द्रौपदी के रोल के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया और इसके लिए मुझे फाइनल भी कर दिया। फिर जब मैंने फिल्म कयामत से कयामत तक साइन की तो उन्होंने मुझसे कहा, ये शो मत करो, टीवी रहने दो, अगर आपकी फिल्म बन रही है तो वहाँ काम करो। जूही ने आगे कहा था, मैं भी कंफ्यूज थी कि क्या करूं, मुझे उस समय ये पता नहीं था कि सही ऑप्शन क्या है, इस वजह से उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। महाभारत आज से 36 साल पहले प्रसारित किया गया था, उस समय इसे बनाने में कुल 9 करोड़ का खर्चा आया था। 80 के दशक में इतना बेहतरीन शो बनाना बहुत बड़ी बात थी। फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला के साथ आमिर खान को देखा गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट थी। जूही और आमिर के करियर के लिए फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।